नाम है आपका पति का क्या नाम है? दसमत। जो एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके पति के ऊपर, कोई बाथरूम कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो क्या चाहते हैं आप? अब भाई दसमत के ऊपर ही मेर भा है, तो अब यह चाहिए कि काहे भा है। तो क्या कोई कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई अब ना हो, जब न हो तो मामला सही रहे, हो जाए, हम यह चाहते तो सब सही रहे। आगे बढ़ते मध्य प्रदेश से खबर। एमपी के सीधी में पेशाब कांड पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी प्रवेश शुक्ला सीधी से गिरफ्तार। रात 2 बजे पुलिस ने किया था गिरफ्तार आरोपी प्रवेश शुक्ला से पूछताछ जारी। आदिवासी युवक पर पेशाब करने का वीडियो हुआ था वायरल। आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, ये कहा है शिवराज सिंह चौहान ने। शुभम गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हैं। शुभम, गिरफ्तारी हो गई है, आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए रवि, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया और स्पष्ट तौर पर यह बात कही कि आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आरोप कांग्रेस इस बात को लेकर लगा रही थी कि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, विधायक का प्रतिनिधि है, इसीलिए सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मगर मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएसए के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद वीडी शर्मा का भी ट्वीट आया और तमाम बीजेपी नेताओं का, और आखिरकार आनंद फानंद में कल से ही पुलिस ने सर्च ऑपरेशन पूरे सीधी में चलाया और उसके बाद आखिरकार रात के 2 से 3 बजे के बीच इसे गिरफ्तार किया गया है। अब आगे देखना यह दिलचस्प होगा, क्योंकि अब मांग यहाँ पर बुलडोजर की उठ रही है कि बुलडोजर चलना चाहिए, तो केदार शुक्ला से भी पूछा गया, तो आज ये देखना होगा कि क्या सरकार, जिस तरह से अभी भोपाल में हमने हाल ही में एक शख्स के साथ जो कृत्य किया गया था और उसके बाद 3 लोगों के घर तोड़े गए, तो क्या आज फिर वही चीज दोहराती है, ये देखना होगा। बिल्कुल, ये सवाल बना हुआ है सरकार के सामने, आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए सीधी कांड पर सीएम शिवराज सिंह का बयान सामने आया है। आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। आरोपी ने मानवता को कलंकित किया है, कठोर सजा देने का निर्देश ताकि उदाहरण बने, अपराधी का कोई जाति और धर्म नहीं होता। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है, ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं।